हेलो गाइस, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जे आर हिस्ट्री मेकर फिर से स्वागत है। माय यूट्यूब फैमिली को सभी को प्रणाम। सब कैसे होंगे? सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, सबसे खतरनाक लोकेशन पर आ चुका हूँ मैं, मुर्दा रोड, आदमखोर आदमी इसी जगह पर दिखाई देते। और तो आपको मैं पूरी लोकेशन के लिए कहता हूँ, पहले रात को क्या टाइम आया राइज, 11:20 पर इस पर आया हूँ, इस लोकेशन पर। यहाँ पर इतने यूट्यूबर आए हैं, हद से ज्यादा, इसी लोकेशन पर वीडियो बनाइए। तो मैं आ चुका हूँ इसी लोकेशन पर देखने के लिए सच में ऐसा कुछ है या नहीं। कौन है? भाई किसी पैरों के निशान दे। ये देख, इस साइड में क्या चीज है गाइस? बरसात के कारण एकदम क्लियर चीज वो चीज दिखाई देगी, वो पैरों के निशान भी है, वो भी चीज कैप्चर हो जाएगी। ये देख, इस साइड में भी है। यहाँ कोई है? ओ भाई, कौन है? मुझे लगा कोई वहां कोई चीज है, ब्लैक शैडो थी कोई। गाइस, मुझे लग रहा है कोई अभी बाइक लेके यहाँ से हमारे से आने से पहले ही निकल चुका है। वह कौन है? शायद तक कोई यूट्यूबर आके वीडियो बना के चला गया होगा जल्दी आके। गाइस, इसी रोड पर कई यूट्यूबर आके आवाज आ रही है। गाइस, पता किस चीज की आ रही है? इस साइड में मुझे कुछ चीज वो चीज दिखाई दी थी, थोड़ा एक बार आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ कोई है? आप जो भी हो, हम आपको कोई तकलीफ पहुंचाने नहीं आए, आप हमारे सामने आ सकते हो। गाइस, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मेरा या बैम होगा कोई ब्लैक की शैडो वहां देखो सही तक लाइट की जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरी परछाई पीछे मन रही है, ऐसा लग रहा कोई चीज ब्लैक साइड हुआ है। इसके लिए सही तक मैं गलती मान लो आप लोगों से, तो रियलिटी है मैं तो वो दिखाऊंगा गाइज आप लोगों को। तो गाइज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, यहाँ पर बड़े से बड़े यूट्यूबर आके गए, आदमखोर आदमी, दुल्हन, मुर्दा रोड, फिलाना रोड, भूतिया बच्चे, मतलब ये अलग अलग, मतलब आपको कहते हैं लोकेशन गाइस, रात में लोकेशन चेंज हो जाती है, मतलब कैमरा थोड़ा बहुत जो करते हैं ना चलाने वाले वो एडिटिंग अलग कर देते हैं। इसी रोड पर इन लोगों ने वीडियो बनाई है और आते क्या टाइम है? 10:45, 9:30 और अभी तो आपको मैंने व्हीकल का निशान दिखाया था बाइक का, मतलब हमारे सामने से पहले ही वो चले गए होंगे। मेरे को लगता है गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों के आदमी होते हैं आपको अंधविश्वास में डालते हैं। यूट्यूब पर मतलब भी हर कोई मतलब टाइटल लिख देता है, कभी बाबा को ले आते हैं पुजारी कर ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कभी तो यहाँ पर कोई बना के चौराहा ऐसा करके मोमबत्ती रख के वो करते हैं, समझ से बाहर है ये हो क्या रहा है आजकल। मतलब बहुत लोग मतलब भी इस चीज को देखने के लिए तैयार रहते हैं। मैं चाहता हूँ यार कोई अच्छी चीज लाओ, कोई देखने में खुद को हाँ फील हो, हाँ यार रियलिटी में है ये चीज। पूरा तो सरेआम दिखा रहे हो, लाइट मार रहे हो, तो सरेआम दिख रहा है भाई, कुछ कपड़े पहना रखे हैं, मास्क लगा रखा है, आदमखोर आदमी, अभी ट्रेनिंग में चल रहे भूतिया बच्चे,
माँ की आत्मा। और एक तो एक मैंने वीडियो देखी थी, एक मतलब औरत है मतलब कूद के पेड़ पर चढ़ जाती है, नीचे आ जाती है दीवार से। यार रेटिंग तेरी खतरनाक है भाई, मानना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो सरेआम एक हवा होती है उसमें पता चलता है, रियल में भूत देखना ना, रियल में वो एक हवा होती है, हवा सामने नहीं आता, सामने आओ तो आपकी फट जाएगी। वैसे ही एक भूत को आग लगा देते हैं, वो आग नहीं लगाई थी, पुतला था गाइस, किसी ने एक वीडियो बनाई थी, खुद के शरीर में आग लगती है, एक केमिकल आता है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो कभी भी आएगी जब, उसमें केमिकल घेरूंगा सरेआम, उसमें आग लगाऊंगा हाथों, वो शरीर को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके शरीर को। ये सब अंधविश्वास में करते हैं बस आपका मजे लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आप लोगों को ये करते हैं एंटरटेनमेंट। और मैं चाहता हूँ गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है इस लोकेशन पर, कुछ भी नहीं है, ना आदमखोर है, ना दुल्हन है, या पता नहीं कितनी हद से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर आके वीडियो बनाई होगी। एक बार और कैमरा मैन को कहता हूँ भाई थोड़ा चेक कर लो, कोई दूर तक कोई सीध में आ ही जाए। गाइस जैसा हमें खुद को लगता है आप लोगों को बेवकूफ काट रहे हैं लोग, पर मैं चाहता हूँ यार जितनी भी ऑडियंस देखती है, सब बड़े देखते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, जितने भी देखते हैं भाई, यूट्यूब फैमिली वालों सबको कहता हूँ प्लीज़ आप इनको कमेंट किया करो कि भाई सरेआम यार तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, कोई रियलिटी दिखाओ ना। ये लोग रियलिटी नहीं दिखा सकते, इनके पास है ही नहीं, इनके पास ये कपड़े हैं, लाल कपड़े हैं, मांस है, ब्लैक है, वाइट है, कभी तो साड़ी है, लहंगा ही पिना के इन लोगों को खड़ा कर देते हैं, और ये सिस्टम है, कभी तो छोटे बच्चों को लेकर शरीर पर पाउडर लगा के भूतिया बच्चा है वो देखो गाइस क्या है, सामने आ जाए ना भूतिया बच्चा तुम्हारी फट जाएगी। वैसे भी मैं गलत नहीं बोलना चाहता क्योंकि छोटे बच्चे इस वीडियो देखते हैं यार, कोई अच्छी शिक्षा दो, कोई डंकी चीज लाओ यार, कोई तुम क्या कर रहे हो समझ से बाहर है, तुम्हारा काम है जो करो, और लोगों को मतलब बेवकूफ मत बनाओ, मैं ये चाहता हूँ। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो आजकल सब समझती है, और कमेंट वो सबसे पहले ही करती है फेक वीडियो, फेक वीडियो, नाइस ड्रामा। गाइस मैं सलूट करता हूँ उन भाइयों को जो आप मैसेज करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। गाइस मैंने जितनी वीडियो बनाई है आपने बहुत कमेंट किए हैं, फेक वीडियो, नाइस वीडियो, मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है आप हमारे साथ जुड़े हो तो अच्छी बात है, जुड़ते रहना, क्योंकि सबसे मैं कोई मेरे से गलती हुई मुझे माफ़ कर देना है गाइस, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो, क्योंकि मैं यूट्यूब फैमिली से प्यार करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरी वही परिवार है यूट्यूब फैमिली। मैं चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली कभी भी धोखे में ना रहे, मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरे को यूट्यूब फैमिली कोई भी मिले तो मुझे प्यार करे और मैं उनको भी प्यार करूँ, मतलब दुआ रहे सब कुछ, मतलब भी आजकल आज कहीं भी अपने जाते हैं यार आज आपकी इमेज है, वो कभी खराब मत करना यार, मैं ये चाहता हूँ। गाइस मुझे कुछ नहीं लगता मेरे को चलना चाहिए, चलते हैं भाई।